प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मैं हूं महेश पलावत, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम अपडेट और पूर्वानुमान। तो पहले शुरुआत करेंगे हम जो समुद्री तूफान यस ने जो दस्तक दी थी उसके बाद उसका क्या हुआ है। और एक और बात है कि ये जो मई का महीना होता है इसमें साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, ये पीक सीजन होता है। पीक सीजन जो होता है मानसून यानी कि जो साइक्लोन का सीजन है वो अप्रैल से लेकर के नवंबर तक का होता है और दो पीक होते हैं यानी कि सबसे ज़्यादा जो बनने की संभावना रहती है एक मई के महीने में और इसके बाद जो अगला पीक आएगा वो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में आएगा। तो हमने देखा कि मई के महीने में दो समुद्री तूफान बने, एक अरब सागर में जो ताऊते था और दूसरा यास जो बंगाल की खाड़ी में बना। हालांकि ताऊते एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन था और उस दस्तक जब उसने दी थी तो 190 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली थी, लेकिन इसके टाइम में 130 से 140 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली थी। और पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के उड़ीसा के ज़्यादातर इलाकों में भारी बारिश हुई है, झारखंड में भी अच्छी बारिश हुई है, छत्तीसगढ़ और बिहार के कुछ इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ देखी गई हैं और केरल के आसपास बहुत ज़्यादा भारी बारिश हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। अब ये जो साइक्लोन था ये जैसे ही लैंडफॉल हुआ इसका तो जो मॉइस्चर फीड होती है यानी कि जो नमी मिलती रहती है, क्या होता है कि जब इसको नमी मिलती रहती है ये नमी को सक करता रहता है, खींचता रहता है और ये मजबूत होता रहता है, बादल बनते रहते हैं और घूमते रहते हैं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हुए ऊपर उठते हैं और बहुत ज़्यादा सशक्त हो जाते हैं और काफ़ी तेज से हवा चलती है। तो जब ये लैंडफॉल करता है तो जैसे ये आप देखिए बंगाल की खाड़ी है तो यहाँ से जो इसको नमी मिल रही थी वो हट गई, रुक गई, ये अंदर आया और इस तरह से हवाएं घूमती हैं तो ये पश्चिमी दिशा से जो हवाएं आ रही थी वो शुष्क थी क्योंकि अंदरूनी इलाकों से आ रही थी, यहाँ सूखा था तो इस इलाके से जो हवा आ रही थी उसके कारण और जल्दी ये वीक हुआ। तो अब ये आज एज ए डिप्रेशन झारखंड पर देखा जा सकता है और धीरे धीरे ये और आगे बढ़ करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार पर आकर निम्न दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा। तो आज हमें उम्मीद है कि तटीय उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियों में काफ़ी कमी आएगी, आंतरिक उड़ीसा में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी रहेंगी, लेकिन अब झारखंड के ज़्यादातर इलाकों में भारी बारिश जारी रह सकती है। अब बिहार के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ी हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश बढ़ी है, छत्तीसगढ़ में भी बारिश बढ़ी है, ये 24 घंटों तक चलेगी, उसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ से बारिश कम हो जाएगी। बिहार के जो उत्तरी ज़िले हैं और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी ज़िले हैं इन इलाकों के साथ साथ नेपाल हिल्स की तरफ बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। जो नुकसान होना था वो हो चुका, अब धीरे धीरे रिकवरी होगी यानी कि जो भी नुकसान था वो हो चुका है। अब पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश अभी भी जारी रहेगी अगले दो दिनों तक। अब बात करते हैं उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में गर्मी एक बार फिर बढ़ी है, जैसे तापमान कम थे तो अब धीरे धीरे फिर बढ़े हैं, 40 के आसपास टेम्परेचर आ गए हैं। तो पश्चिम विक्षोभ जम्मू कश्मीर के ऊपर है लेकिन कमजोर है, हल्की फुल्की बारिश कुछ इलाकों में ये दे सकता है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं देगा। श्रीनगर बनिहाल और उसके काजीगुंड वगैरह के आसपास छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ होंगी और नैनीताल मसूरी और इसके अलावा बादल छाएंगे इस इलाके में मनाली वगैरह में और हल्की फुल्की बारिश की संभावना नज़र आ रही है, ज़्यादा बारिश नहीं होगी। इसी तरह पंजाब हरियाणा दिल्ली और राजस्थान के जो उत्तरी जिले हैं इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ ना के बराबर हैं, हालांकि एक दो स्थानों पर बादलों की गरज चमक हो सकती है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देखिए कि सेंट्रल पाकिस्तान और उससे सटे हुए राजस्थान में बना हुआ एक ट्रफ रेखा इस तरह से जा रही है, एक और ट्रफ रेखा ये उत्तर प्रदेश तक आ रही है स्लो प्रेशर एरिया के आसपास, तो मॉइस्चर इस इलाके से बढ़ेगा तो सेंट्रल जो यूपी है इस इलाके में भी गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। लेकिन अब राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना आज हमें नजर आ रही है जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हो सकती है, कोटा हो गया, बूंदी, भीलवाड़ा, बारन, झालावाड़ इन सारे इलाकों में हो सकती है और ये चित्तौड़गढ़ वगैरह में और उसके आसपास जो ये नीमच, रतलाम, उज्जैन और भोपाल, इंदौर इन इलाकों में बादल छा सकते हैं या मेघ गर्जना हो सकती है, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी लेकिन ठीक ठाक बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है। गुजरात शुष्क रहेगा, महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके खास करके जो विदर्भ और मराठवाड़ा में हल्की बूंदाबांदी, एक दो गरज चमक हो सकती है, कोकण एंड गोवा में काफ़ी हल्की बारिश होगी जो धीरे धीरे अगले 4 या 5 दिनों में बढ़ना शुरू होगी और मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में प्री मानसून गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं, लेकिन गर्मी अभी इस इलाके में बरकरार रहने की उम्मीद है। अब आप देखते हैं, हम देखते हैं कि दक्षिण भारत का क्या है, तो दक्षिण भारत में अगर देखें तो ये देखिए ये जो वेस्टर्नली विंड है पश्चिमी हवाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ रही है, तो पिछले दो दिनों से हमने देखा कि केरल में भारी बारिश हो रही है, लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हुई है
और हम कह सकते हैं कि अब मानसून आने की कगार पर है, तो ये प्री मानसून गतिविधियां बढ़ने लगी हैं और पश्चिमी हवाएं जो मानसून को लेकर आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हैं। तो अब जो मानसून है वो धीरे धीरे पास आ रहा है, हम कह सकते हैं जो प्री मानसून गतिविधियां बढ़ती रहेंगी और 30 मई के आसपास एक या दो दिन आगे पीछे आने की उम्मीद है मानसून का। केरल के ऊपर जल्दी आएगा और ये बंगाल की खाड़ी में काफ़ी इलाकों में अब बढ़ने वाला है, तो यानी समय से पहले दस्तक दे सकता है और पश्चिमी तटों पर इसकी जो प्रोग्रेस है यानी जो बढ़ना की उम्मीद है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। केरल के साथ साथ तटे कर्नाटका और तटे महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है, लेकिन प्री मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी और उसके बाद धीरे धीरे प्री मानसून जो बारिश है वो मानसून की बारिश में बदल जाएगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो समुद्री तूफान था ये एक अच्छी खबर लेके आया कि जो मानसून को इसने स्ट्रॉन्ग किया और ये अब मानसून जल्दी ही दस्तक दे सकता है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको लगातार बताते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।